नमो नमः सर्वेभ्यो भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति एकवारं पुनः अस्माकं यूट्यूब चैनल मध्ये। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस वर्ष CUET जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा कराई गई थी शिक्षा शास्त्री की, उसी का प्रश्न पत्र देखेंगे कि उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं शिक्षा शास्त्री की अग्रिम वर्ष के लिए, तो आप लोग इसको अंतिम तक जरूर देखें। इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको जो आपकी तैयारी है किस अनुरूप करनी है। तो अगर आपको शिक्षा शास्त्री संबंधित जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। शिक्षा शास्त्री का सिलेबस इत्यादि जो भी है उस वीडियो में सब बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और यह वीडियो अंतिम तक जरूर देखें, तभी आप जान पाएंगे। सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर और क्वेश्चन बैंक का ID और आंसर गिवन बाई कैंडिडेट, और प्रश्न दिया गया है, उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह आपका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीरियल नंबर सबके में क्रम से 1 से लेकर 100 तक रहेगा। क्वेश्चन बैंक का ID सबकी अलग अलग हो सकती है। जिस क्वेश्चन बैंक का ID का आपने पेपर दिया है उसी की आंसर किसी आपको अपने आंसर मिलाने होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, जो जिस कैंडिडेट का यह प्रश्न है, पेपर है जिस कैंडिडेट का, उसके द्वारा जो आंसर दिया गया है वो भी दिखाया गया है। उसने क्या आंसर दिया है इस प्रश्न का, क्या उसका आंसर सही है या नहीं है, वो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो इसका प्रथम प्रश्न है वह है, देखिए, यदि जुलाई मासस्य तृतीय दिनांके शुक्रवासर भवति तर्हि स्वतंत्र दिवस कस्मिन् दिवसे सम्मान्यते। इसका जो उत्तर हम देखेंगे दोस्तों, इसको हम पूर्णतः सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह हम सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यह जो वीडियो है इसका जो साइज होगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको केवल आंसर से देख लेंगे। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी तैयारी के अनुरूप, आप और देख सकते हैं कि आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं और आपको किस तरह करनी है। इस पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और चलिए, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जुलाई में जो 3 तारीख है उस दिन शुक्रवार है, और इसलिए इसके बाद इस दिन है आपका शुक्रवार, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि 15 अगस्त आने वाले अगले महीने जो क्या होगा, इस दिन आएगा शनिवार। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है, 4, 8, 9, 27, 16, 64 और 25 क्रम से दिए हैं। इसके बाद क्या संख्या आएगी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 125। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। सर्वप्रथम देखिए किस तरह ने किया है इसको, तो 2 × 2 हो गया हमारा 4। तो इन्होंने फिर 4 को 2 से इंटू कर दिया है, 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 और 8 क्रम से आ गया। उसके बाद 3 क्या होता है 9, और 9 × 3 क्या हो गया 18, 9 × 27, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है 4, 4 × 4 = 16 होता है, और 16 × 4 = 64 हो गया इतना। उसके बाद 5, 5 × 5 हो गया हमारा 25, और 25 × 5 = 125। दिस आंसर इज सॉल्व। ओके, इस तरह क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण 7.15 सपाद सप्तवादनम समय अस्ति तरही वास्तविक समय हो। यह दर्पण से संबंधित भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 4:45, यानी कि 4:45। अग्रिम प्रश्न है, सूचना दी गई है इस प्रश्न के लिए, आपको यह पढ़ लेनी चाहिए। अक्षर श्रृंखला काचित दृश्यते, श्रृंखलाया अधा चत्वारो विकल्पाः सन्ति, एकेन समुचित विकल्पेन क्रमं पूरयत। जो यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, इसी श्रृंखला के अनुसार आगे 4 क्रम दिए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको चयन करना है कि इसके बाद अगला क्रम क्या होगा, क्रम को पूर्ण करना है। तो देखिए, ACDFGLJL ये क्वेश्चन दिया गया है। ए के बाद हमारा क्या, ABCDEF इस तरह देख लेते हैं हम। AC एक ले लिया AC हो गया, फिर उसके बाद क्या है, ए के बाद फिर D आता है, C के बाद D और F, इसी तरह एक एक छोड़ के इन्होंने लिया है DF, फिर आ गया GI, फिर आ गया JL, और इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा MRO। बी ऑप्शन MO इसका आंसर सही है। अग्रिम प्रश्न है, श्री अरविंद भारती संस्कृत प्रतिष्ठानम कुत्र विलसति, यह कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर है दोस्तों पुदुचेरी नगरे, पुदुचेरी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती पुरस्कारम 2,51,000 धनराशिना संस्थानम एतत् प्रतिवर्षम संस्कृत संवर्धन दृष्टिया प्रददाति किम तत्।
विश्व भारती पुरस्कार जिसमें 251,000 रुपये दिए जाता है वह कौन सा संस्थान देता है प्रतिवर्ष? इसका उत्तर है दोस्तों विश्व हिंदू प्रतिष्ठानम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। अग्रिम प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इत्यस्य आंग्ल भाषायां पदम वर्तते, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आयोग है इसका इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं ये पूछा गया है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7 का नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज कमीशन, इसकी फुल फॉर्म है। अग्रिम प्रश्न है राज्यानां साक्षरता सर्वेक्षण तत् प्रतिशत निर्धारण च क्रियते, इसका जो राज्य में साक्षरता दर है उसका निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर है NSO, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अग्रिम प्रश्न है भारत से नूतन केंद्र शासित प्रदेशेषु अंतर्भवति, यह अभी 1-2 साल पहले हुआ है आपको पता ही होगा, इसका आंसर है लद्दाख। अग्रिम प्रश्न है राज्ञः विक्रमस्य नव सभारत्नेषु अन्यतमः, जो राजा विक्रम थे उनकी सभा रत्नों में से अन्यतम कौन है? इसका आंसर है दोस्तों शंकु। अग्रिम प्रश्न है गद निश्चय इति काचित् पद्धति कस्मिन् वेदे, यह पद्धति गद निश्चय कौन से वेद की पद्धति है यह पूछा गया है। इसका आंसर है आयुर्वेद की पद्धति है क्या गद निश्चय, गद निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर संगीत दर्पण इति कस्य ग्रंथो अस्ति, संगीत दर्पण इति कस्य ग्रंथो अस्ति, संगीत दर्पण किसका ग्रंथ है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पंडित दामोदरस्य। संगीत दर्पण में अगर दोस्तों एक और कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि साहित्य दर्पण और संगीत दर्पण, देखिए एक ही ऐसा लग रहा है दर्पण भी और वहाँ पर संगीत सौ से है और यहाँ साहित्य दर्पण, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन ना होगी, साहित्य दर्पण कहें विश्वनाथ। अग्रिम प्रश्न है घटिका एवं अवलोक्यते यत अस्या 12 अंक पूर्व दिशि भवति तदा 9 अंक कश्याम दिशि भवति भविष्यति, घड़ी को हम इस तरह देखते हैं कि 12 अंक जो लिखा होता है वो पूर्व दिशा में दिखाई देता है तो 9 अंक किस दिशा में दिखाई देगा? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिशि। अग्रिम प्रश्न है श्रृंखलायाम अग्रिम क्रमम सूचयत, 1, 5, 11, 19, 29 क्रम से दिए इन्होंने संख्या, इसमें इसके बाद आगे का क्रम बताना है, तो इसमें इन्होंने देखिए क्या किया है। इसका आंसर है पहले आंसर देखते हैं 41, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, और क्या कैसे किया ये भी देख लेते हैं हम लोग। 1 + 4 होता है हमारा 5, ठीक है, 5 में फिर 4 के बाद +2 कर देते हैं तो 6 हो जाता है, 5 6 हो गया 11, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फिर क्या ले लिया, 11 ले लिया, 11 में 8 जोड़ देंगे सात संख्या है, ये हो जाएगा कितना 11 + 8 19, फिर 19 प्लस कर देंगे कितना 8 के बाद आता है 2 तो 10, 19 + 10 तो हो जाएगा 29, ठीक है, और 29 आया 29 प्लस कितना 10 के बाद 12, 29 प्लस 12 तो कितना आएगा हमारा 29 प्लस 12 कर लेते तो हम लोग कितना आंसर आएगा हमारा 41 इज आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 अस्मिन् प्रश्ने आकृतीनां समूहद्वयम् अस्ति, प्रथम समूहे प्रश्नाकृतयः अपरे च उत्तराकृतयः सन्ति, प्रश्नाकृतीनां अनुसारेण उत्तराकृतिषु उचित विकल्पः विद्यते, इसका आकृति को देख के आपने आंसर बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट, इसको आप देख सकते हैं। अग्रिम प्रश्न है ए बी च भ्रातरो स्तः, सी ए इत्यस्य भगिनी अस्ति, डी ए इत्यस्य भ्राता एवं च ई बी इत्यस्य पुत्री अस्ति, ई इत्यस्य पितुः भगिनी का अस्ति, तो यह संबंध से संबंधित क्वेश्चन है जो परिवार से संबंधित होते हैं, परिवार संबंधित। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी आंसर इज राइट, यानी कि सी क्या है भगिनी है, आप इसको भी देख सकते हैं, आपको यह PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़े नहीं तो आप जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्ञान की राजधानी आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। अग्रिम प्रश्न है दोस्तों सांख्य मत से प्रणेता कहो, बीच में शायद खाली स्थान रह चुका है पेपर का जो है, सांख्य मत के प्रणेता कौन है? तो यह आप लोग जानते होंगे सांख्यकारिका आचार्य कपिल, ये सांख्य मत के हैं प्रणेता, सांख्यकारिका सांख्यकारी जो प्रकरण ग्रंथ है सांख्यकारिका, ठीक है। अग्रिम प्रश्न है कालिदासस्य अस्मिन् ग्रंथे अमरकंटकस्य वर्णन प्राप्यते, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक जो पहाड़ी है इसका वर्णन प्राप्त होता है? तो पहाड़ से संबंधित तो कहाँ पर है, मेघदूत में, तो मेघदूत का इसका आंसर राइट हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है बाल रामायण से लेखक क, तो इसके आंसर है राजशेखर, राजशेखर यायावरी हैं इसके रचयिता, बाल रामायण, बाल भारत और विशाल भंजी का इनकी 3-4 रचनाएं हैं और एक है काव्यमीमांसा भी इनकी रचना है। अग्रिम प्रश्न है इतिहास से है यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से एतासाम घटनानाम उचित कालक्रमो वर्तते, यह हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, किसके बाद कौन सा ये आंदोलन हुआ था वह क्रम से बताना है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बी हम कैसे कह सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले लास्ट में है भारत छोड़ो आंदोलन और सबसे पहले हुआ था होम रूल आंदोलन, तो बी डी ए सी, देखिए इसी में ऑप्शन है
लास्ट में, फर्स्ट में बी है लास्ट में सी, तो इसका आंसर फर्स्ट में बी होम रूल, फिर सेकंड नंबर में आएगा असहयोग आंदोलन 1920, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लास्ट। अग्रिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आयोजित है, इसका एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, मानवाधिकार दिवस जो राष्ट्रीय मानवाधिकार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आ चुका है वो पहले। इसका आंसर 210 दिसंबर, जैसा कि सबको पता ही होगा, यह अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रथम संस्कृत विश्व पुस्तक मेला आयोजन अभवत, पहले संस्कृत पुस्तक मेला का आयोजन कब हुआ था, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2011 के मध्य में। अग्रिम प्रश्न अस्ति प्रथम सूचिया सह द्वितीय सूचिया मिलन कुरुत, प्रथम सूचिया सह द्वितीय सूचिया, तो यहाँ पे देखिए चित्रकला और ये दिख रहा है, यानी कि संगीत संबंधित है, आपको यह मिलन करना है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ए का पंडित दुर्गालाल का हो जाएगा, सेकेंड नृत्यम लालगुड़ी जयरामन वाग संगीत, बालमुरली कृष्ण कंठ संगीत और अमृता शेरगिल चित्रकला। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स 2022 मध्य जेवलिन क्षेपण क्रीडायाम कह भारतीय रजत पदकम लब्धवान, यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही फेमस हो चुका था इस वर्ष, आपको पता ही होगा नीरज चोपड़ा इसका आंसर राइट है। मिताली राज से अनया क्रीडया सह संबंधो अर्थते, मिताली राज का किस खेल के साथ संबंध है, यह भी आप लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे तो आप जानते होंगे मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। अग्रिम क्वेश्चन है प्रश्न है दोस्तों संधि से संबंधित, पश्चिताम इत्यस्य संधि विच्छेद, पश्चिताम इसमें कौन सी संधि है, मतलब इसका संधि विच्छेद करना है पश्चिताम का, दोस्तों यहाँ पर पश्य एताम ऑप्शन नंबर 26 का नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी है आंसर राइट ठीक है, इसमें वृद्धि संधि है। अग्रिम क्वेश्चन है अणित प्रत्यय से उदाहरणम, अणित प्रत्यय का उदाहरण क्या है यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भोज्यम, यहाँ पर अणित प्रत्यय का उदाहरण है यह। अगला प्रश्न है भाव यति इत्यस्मिन् प्रत्ययो वर्तते, भाव यति में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है यह, इसका आंसर है ऋच प्रत्यय, भाव अर्थ में ऋच प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है ध्यायम ध्यायम इत्यत्र कृत प्रत्यय कह, ध्यायम ध्यायम इत्यस्य इत्यत्र कृत प्रत्यय कह, 29 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है आंसर नंबर ए नूल प्रत्यय है इसमें, ध्यायम ध्यायम में, ध्यायम 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 एकदम साफ नहीं, ध्यायम है। अग्रिम क्वेश्चन है लावणी की शब्द प्रत्यय वर्तते, दोस्तों यह जो प्रश्न है यह स्त्री प्रत्यय से पूछा गया है, स्त्री प्रत्यय भी आप लोग अवश्य पढ़ लेना एक बार, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गी प्रत्यय, गीप गीस गीन, ये तीनों लगभग सेम ही होते हैं, इनका पता नहीं चलता है, तो इसको आपने देख लेना पड़ेगा एक बार। अगला प्रश्न है हमारा, यह थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं जो भी परीक्षाएँ इत्यादि बड़ी बड़ी परीक्षाएँ, हर कोई परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अभी कथन और कारण, इस कथन का कारण बताया गया है, देखिए कथन है श्रीमत् शब्द मतुप प्रत्यय युक्त भवति, ये पूछा कि ये बता रहे हैं, उसके बाद कारण बता रहे हैं कि उस कारण क्यों कृत प्रत्ययेषु मतुप प्रत्यय न गण्यते, इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए समीचीनम परम आर समीचीनम नास्ति, जो श्रीमत् शब्द है ये मतुप प्रत्यय युक्त है, पर जो कृत प्रत्यय में मतुप प्रत्यय गिना जाता है, न गण्यते लिखा है ना, वहाँ पर भी गिना जाता है ठीक है, ये समीचीन नहीं है इसका जो कारण दिया गया है इन्होंने। अग्रिम क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है मधुरम रोचित, आगे से स्पेस दिया आपको और मधुरम रोचित लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विभक्ति पूछा गया है, रोचित तो पता ही होगा आपको, रोच पेड़ मान या सूत्र कारक का जो चतुर्थी विभक्ति के अंदर आता है, इसका आंसर है तस्मई रोचते, उसको क्या है मधुर प्रिय है। अगला क्वेश्चन है यथोचितम योज्यते, भी कारक से संबंधित क्वेश्चन है, प्रातिपदिका अर्थ और संप्रदान अपादान कर्मणि सब दिया गया है, आपको इसमें मिलाना है ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रातिपदिकार्थी प्रथमा संप्रदाने चतुर्थी अपादाने पंचमी कर्मणि द्वितीय। अग्रिम प्रश्न है के द्वे वाक्य अकर्मक कर्तरी प्रयोगे वर्तते समुचितम विकल्पम चिन्हुत, कौन से दो इनमें वाक्य दिए हैं वो अकर्मक कर्तरी प्रयोग में हैं, कर्त के प्रयोग के हैं पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट है सुतः पितरम वंदते सूर्य प्रकाशते, ये दोनों कहाँ के हैं अकर्मक कर्तरी के हैं, शिष्य गुरुम संशय पृछति पुष्पम विकसते, दे इसका आंसर दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब एवं
दो, देखिए यहाँ पे अकर्मक है यानी कि इसमें कोई कर्म नहीं है, कर्म पदम पतंजलि में इसमें प्रश्न नहीं बनेगा। सूर्य प्रकाशते तो सूर्य किमर्थम प्रकाशित इत्यादि ऐसा कुछ नहीं बनेगा। और दूसरा है पुष्पम विकसति दो, यह भी यहाँ पे भी इसी तरह, तो यह अकर्मक धातु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब एवं दो। अगला प्रश्न है नाना योगी व्यक्ति न भवति, देखिए यह ध्यान देना पड़ेगा कि ना, अभी आप यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि नाना योगी व्यक्ति बहुत ही, हम सीधे आंसर लगाते तो इसमें बहुत बार गलत हो जाता है आंसर, तो यहाँ पर न भी बहुत ही, तो नाना के योग में कौन सी नहीं होती है, षष्ठी, नाना योगी न भवति। सर्वस्मिन आत्मा, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति अत्र सप्तम्या कीदृश आधार, सप्तमी में तीन प्रकार के आधार होते हैं, औपश्लेषिक, अभिभावक और वैसेक, तो इसमें से यहाँ पर कौन सा आधार पूछा गया है ये बता पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर अभिव्यापक जो आत्मा का है अभिव्यापक है, सब में है ना, इसलिए अभिभावक, यहाँ पर अभिव्यापक सप्तमी अभिभावक हो जाएगा आधार, आधार अधिकरणम सप्तमी। स्वर क्रमो वर्तते, स्वर का क्रम पूछ रहे हैं लोग 37 नंबर क्वेश्चन में, इसका आंसर है देखिए देख लेते हैं अ यू रील री ए औ ऐ औ, इसका आंसर नंबर कौन सा सही है, आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है सनंत प्रत्यय युक्तम पदम, सनंत प्रत्यय किस में, इसमें से लगा हुआ है पिपटी पिपी पठी सती पिपटी सती पिपट सती पिपट सती, तो इनमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा आंसर में, किसमें कौन सा सनंत प्रत्यय युक्त पद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिपीट पिपठी सती। अग्रिम प्रश्न है वाच्य परिवर्तन कुरु तेन संस्कृतम पठितुम इच्छति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो यह इसका आंसर है दोस्तों स संस्कृतम पठितुम इच्छति, और इसमें क्या होता है तृतीया हो जाती है, तो तेन संस्कृतम पठितुम इच्छति, ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कर्तृवाच्य क्रिया भवति, कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होती है, इसका आंसर है कर्मानुसार, कर्म के अनुसार होती है या कर्तु के अनुसार या कारक के अनुसार या भाव के अनुसार, इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी कर्तु के अनुसार क्रिया होती है कर्तृवाच्य में। गर्गस्य पुत्र एक पदे रूपम, ये भी स्त्री प्रत्यय से प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर है गार्ग्य, गर्गस्य पुत्र गार्ग्य, यह स्त्री प्रत्यय क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आभ्याम इति पदम कस्य शब्दस्य रूपम, आभ्याम किस पद का रूप है, मतलब कहाँ कौन से शब्द रूप में आता है, आभ्याम कहाँ बनता है, तो यह पूछ रहे हैं यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन में, इसका आंसर है अस्मद, अहम आवाम वयम, इसके में बनता है अभ्याम। अगला क्वेश्चन प्रथम सूचिया से द्वितीय सूचिया मिलनम कुरुत, दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए फोर्थ अभवत, कहाँ का है देखिए धातु देख लेते हैं, सबसे पहले भू धातु का अभवत हो गया, ए की फोर्थ ऑप्शन का सही है बी फर्स्ट, वध धातु वध बनता है, सी का ठंड है, तो देखिए सी का सेकंड है, गम धातु का गम धातु में कमिश्यामी कमिश्यावा पठ धातु बनेगा पठिता, ठीक है ये आंसर हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 44 है सिप्रम किम अस्ति, सिप्रम किम अस्ति, इसका आंसर है दोस्तों सिप्रम क्या है, एक अवयव अवयव है, ठीक है। शंख मुरजम शब्द शुद्ध विग्रहम वाक्यम, शंख मुरजम शुद्ध विग्रहम वाक्यम, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शंख च मुरजा च तयो समाहारः, शंख मुरजम समाज से संबंधित क्वेश्चन था। अगला भी समाज से क्वेश्चन है दुखातीत सुखापीत इत्यनयोः कीदृशः समासः, इसका आंसर है द्वितीय और पंचमी तत्पुरुष समास। प्रायण उत्तरपद प्रधान तत्पुरुष समासः भवति, उत्तरपद प्रधान तत्पुरुष समासः भवति, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास, अब कथन दे रहे हैं और एक कारण दे रहे हैं, तो इसमें हमें देखना है कि क्या दोनों सही हैं या फिर एक ही सही है, तो यह बताना है हमें, तो इसमें दोस्तों दो एकदम ठीक है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष होता है और अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, तो इसके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचानाम गवाम समाहारः समाहारो भवति, यह भी समास से क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंचगवम। नीलोत्पलम इत्यत्र समासो अस्ति, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है प्रथम सूचिया सह द्वितीय सूचिया मिलनम कुरुत, ये भी समाज से संबंधित क्वेश्चन है, कृष्णाश्रित ये तत्पुरुष समास है। इसके बाद त्रिभुवनम, इसमें है आपका त्रिभुवनम में है आपका समास फर्स्ट ऑप्शन द्विगु समास त्रियोगी संख्या, चतुर्मुख बहुव्रीहि समास चार मुख वाले कौन है ब्रह्मा जी, निर्मक्षिकम अव्ययीभाव समास। दोस्तों
इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन से रखते हैं और अग्रिम जो 50 क्वेश्चन हैं उसको हम दूसरी वीडियो में रखेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो को आप जरूर देखें, 50 क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कर लिए गए हैं। नमो नमः सर्वेभ्यो, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्थान त्रयम किम, प्रस्थान त्रय क्या है? इसका आंसर है दोस्तों उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थान त्रय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिन् वैदिक छंदसि पंच पादाः भवन्ति, किस वैदिक छंद में 5 पाद होते हैं, जैसा कि गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, तिष्ठुप, जगति, ये 7 छंद हैं वैदिक, तो इनमें से किस में 5 पाद होते हैं ये पूछा गया है। इसका आंसर है पंक्ति छंद में। कथनद्वयं विद्यते, अथर्ववेदस्य कश्चनापि अरण्यक ग्रंथो नास्ति, कथन दिया है, और प्रथम कथन और सेकंड है, छांदोग्य उपनिषद सामवेदिन संबंधो संबंधा वर्तते, अब इसमें बताना है कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों सही हैं, क्योंकि अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है और छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चरैवेति चरैवेति वाक्यमिदम् अस्य ब्राह्मणस्य वर्तते, किस ब्राह्मण का यह वाक्य है, चरैवेति चरैवेति, इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण का। रसौ रसौ वै सह इति वाक्यम प्राप्यते, जो यह रसौ वै सह ये वैदिक वाक्य है, किस वेद से उपलब्ध होता है, इसका आंसर है यजुर्वेद में। अग्रिम प्रश्न है, अधः द्वे कथने दत्ते, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं नीचे, भर्तृहरि प्रणीति नाम 3 शतकानि प्रसिद्धानि सन्ति, हाँ तो ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला कथन है, तत्र भर्तृहरि प्रणीतम भावशतकम अतीव लोकप्रिय विद्यते, दोस्तों भावशतकम तो उनका कोई भी ग्रंथ है ही नहीं, तो इसमें फर्स्ट आंसर सही है और सेकंड गलत है। तो फर्स्ट कथनम समीचीनम, सेकंड च द्वयमेव समीचीनम गलत है, कथनम फर्स्ट कथनम सेकंड च द्वयमेव असमीचीनम ये भी गलत है, कथनम फर्स्ट समीचीनम कथन सेकंड च असमीचीनम, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मैं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आगे क्लियर कर दूंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ऑप्शन दिए इसमें भामह, भरत मुनि, अभिनव गुप्ता, विश्वनाथ, अग्रिमेशु विकल्पेशु समीचीन पूर्वापरु विकल्पो अस्ति, तो इसमें बताना है कि क्रम से अनुसार कौन पहले का है कौन बाद का है उसके, तो क्रम निर्धारण करना है इनका। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बी ए सी डी, भरत मुनि सबसे पहले या सबसे प्राचीन है, उसके बाद भामह, बी ए सी डी, इस बार अभिनव गुप्त, फिर डी विश्वनाथ, ठीक है। अग्रिम प्रश्न है, लघु रघु काव्य से लेखक को विद्यते, लघु रघु काव्य जो है वो किसके लेखक कौन है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी। अग्रिम प्रश्न है, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी सुक्तिरियम विद्यते, इसका आंसर है दोस्तों किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम में है कि यह सुक्ति है। फिर अभी कथन वाला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, कादंबरी काचित नीति शिक्षाया अपि ग्रंथः अस्ति, हाँ यह तो ठीक है, इसमें नीति का भी संबंधित है, कादंबरिया सुपनाशोपदेश उपदेशीय नैतिक शिक्षा विषय प्राप्यते, वैसे तो इसमें दोनों ही सही हैं, देखिए दोनों कथन इसके सही हैं, तो ए आर व द्वयमेव सत्य एवं च आर इत्यस्य समीचीना व्याख्या करोति, हाँ दोस्तों सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेशे द्वे सुभाषिते कथिते स्तते, जो हितोपदेश में सुभाषित कहाँ कहे हैं वो कहे गए हैं वे कौन से हैं, ठीक है, द्वे दोनों, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 61, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 एवं 3, 1 और 3 ये दोनों कहाँ गए, हितोपदेश की सुभाषित हैं, न सा सभा यत्र न संति श्रद्धा, वह सभा ही किस काम की, मतलब जहाँ पे वृद्ध नहीं हो, वृद्धा नते ये न वदंती धर्मम, जहाँ पे वृद्ध नहीं तो वो धर्म का वहाँ पे धर्म की बात नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा, नन्नेदम न इदम महाकाव्यम, तो इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जितु संहार महाकाव्य नहीं है, यह खंड काव्य है। श्रीकंठ पदलांछन इति कस्य कवेः नामः, श्रीकंठ पदलांछन किस कवि का नाम है, भवभूति की उपाधि है श्रीकंठ पदलांछन। परस्परम योग्यम योजयत, परस्पर जो योग्य हैं उनको का योजन करना है, तो इसमें देख लेते हैं, रामायण चतुर्विंशति साहसी संहिता, गायत्री मंत्र चतुर्विंशति वर्ण, हनुमान राम भक्त वाल्मीकि प्राचेतस, ये ऑप्शन सब सही होगा क्रम से, देखिए अब कहाँ ए का ठल्ड,
है, तो इसका ये जाएगा सही आंसर सी। हनुमानुसार श्रेष्ठतरम ही किंचित पंक्ति अयम कुत्र वर्णिता अस्ति, यह पंक्ति कहाँ वर्णित है। 65 क्वेश्चन है, इसका आंसर है महाभारते। अगला क्वेश्चन है वेंकटाध्वरी महाकवे चंपू नास्ति, ये वेंकटाध्वरी महाकवि हैं, इन मतलब इनके चंपू नहीं है बताने की, जो लिखा हुआ है वेंकटाध्वरी महाकवि है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नल चंपू। अगला क्वेश्चन है लसल लतिका इत्यस्य रचनाकार का, लसल लतिका के रचनाकार कौन है। इसका आंसर है हैदर शर्मा, इन्होंने लसल लतिका लिखी है, इसके रचनाकार हैं। धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता इति उक्ति कुत्र उपलभ्यते, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है, यह होती है मनुस्मृति में। प्रदत्तेषु द्वे वैष्णव पुराणे स्थ, यहाँ पे जो क्या है इनमें समाचार में से दो क्या हैं वैष्णव पुराण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक हिसाब से देखें तो दोस्तों वैष्णव पुराण के अंतर्गत यह सभी आ जाते हैं, भागवत पुराण भी, मार्कंडेय वराह मत्स्य, तो सभी वैष्णव के अंदर ही आते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका इसमें सभी को मार्क्स मिला होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को मिला होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर सभी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मोव ना पर इति उक्तम, यह किसने कहा मतलब यह किसके द्वारा कहा गया है, यह श्री शंकराचार्य की का मत है, इन्होंने बोला है शंकराचार्य महाराज जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेदांत सारानुसार अनुबंध विषय अयम विकल्प अनुचित, इनमें से कौन सा विकल्प अनुबंध के विषय में अनुचित है वेदांत सार का, अधिकरणम या अनुचित है, ठीक है। अनुबंध चतुष्टय होते हैं विषय संबंध प्रयोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतस्य प्रतिष्ठापको अस्ति, विशिष्ट अद्वैत के जो प्रतिष्ठापक हैं वह कौन है पूछा गया है। इसका आंसर है दोस्तों रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत के प्रतिष्ठापक हैं। शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य निम्बार्काचार्य मध्वाचार्य, इनका कालक्रम बताना है कि सबसे पहले उसके बाद क्रम से कौन कौन हुए हैं। तो सबसे पहले तो शंकराचार्य महाराज जी हैं, उसके बाद हैं रामानुजाचार्य जी। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमारा, उस बार थर्ड नंबर में आते हैं हमारे निम्बार्काचार्य, तो ए सी डी ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये सही है इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है चार्वाक दर्शनस्य अनात्मवादः प्रसिद्धः सिद्धान्तो वर्तते, कारणम चार्वाक दर्शने प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। दोस्तों जो यह क्वेश्चन है इसमें दोनों सही हैं, इसके जिस तरह कादंबरी का क्वेश्चन था वो उसकी व्याख्या कर रहा था, इसमें यहाँ पर भी ए की समीचीन व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर विषय संबंध प्रयोजनम अधिकारी विकल्पना उचित क्रमो वर्तते, इनका क्रम क्या होगा बताना है। तो विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी ये दिए गए हैं, इनका उचित क्रम है दोस्तों, सबसे पहले आता है अधिकारी, उसके बाद आता है विषय, उसके बाद आता है संबंध, फिर आता है प्रयोजन। तो इसका आंसर होगा डी ए बी सी सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट है। कक्षायाम अध्यापक से मित्र होती, कक्षा में अध्यापक का मित्र क्या होता है, धन होता है, श्याम फलक होता है, छात्र होते हैं या फिर पुस्तक होती है। दोस्तों ऐसे को यह क्वेश्चन है ये शिक्षा संबंधित से क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्याम फलकम अध्यापक से मित्र भवति, उसके द्वारा वो कुछ बता सकता है इत्यादि। विद्यालयेषु कीदृशानाम अध्यापकानाम नियोजनम आवश्यकम, विद्यालय में किस प्रकार के अध्यापकों का होना आवश्यक है, किस तरह के अध्यापकों को होना चाहिए। तत्तद् भाषा विद्वान तत्तद् विषयाज्ञानम समत्व भावकुशानाम पूर्वोक्तानाम सर्वेषाम, तो देखा जाए तो यह सभी सही है, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आंसर यह स एव अध्यापक रूपेण मम प्रिय, वह अध्यापक को कौन प्रिय होता है, यह धनवान है, यह स्वाध्यायी छात्र मनोवेत्ता मनोरंजनम यहाँ करोती या यह ट्यूशनम करोती, तो इसका आंसर है दोस्तों यह स्वाध्यायी और छात्र मनोवेत्ता। अग्रिम प्रश्न है सुयोग्य शिक्षक सह वर्तते, सुयोग्य शिक्षक कौन कहलाता है, यह समय कक्षायां पाठम पाठयति ये इन छात्रा हा भीता भवन्ति यु विद्यार्थीनां व्यवहारे वांछितं परिवर्तनं मानयति यह सर्वदा सम्यक अध्ययनं करोति, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा बताना है। इसका है यु विद्यार्थीनां व्यवहारे वांछितं परिवर्तनं मानयति, ऑप्शन नंबर सी।
अग्रिम प्रश्न है, छात्रेषु सृजनात्मकता संवर्धयितुं शिक्षकेण किं करणीयं? शिक्षक को छात्रों में सृजनात्मकता लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है वो? तो इसमें बहुभाषितं प्रोत्साहनीयः, सम्यक स्वाध्याय करणीयः, सम्यक कंठस्थी कार्यः, भवान् स्वेच्छया प्रकाशयितुं करणीयः। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। अग्रिम क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थासु शिक्षक ही इमे भावः नैव सम्मान्यः। जो विद्यालय है वहाँ पर शिक्षकों का यह भाव सम्मानित नहीं माना जाता है। तो कौन सा? स्वतंत्र समानता, बंधुत्व न्याय, इथर्व ईश्वर मोक्ष, क्षेत्रवाद, जातिवर्गवाद, वसुदेव कुटुंबकम, सार्वभौमिक भ्रातृत्व। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट है। अग्रिम क्वेश्चन है, छात्रेषु नेतृत्व गण विकासाय अनिवार्यम की अनिवार्यम प्रोत्साहनम दायित्व वितरणम उपदेश उपयुक्त सर्वम। तो यह सभी अनिवार्य हैं। भारत से ज्ञानम इत्यत्र अंतर्भवति। भारत से भौगोलिक ज्ञानम, भारत से राजनीतिक शैक्षिकम परिस्थितिकीय ज्ञानम, प्राचीन भारतीय ज्ञान से आधुनिकता अवधानम, भविष्य भारतकांश्च विविध देश से भारत संबंध ज्ञानम। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन भारतीय ज्ञान से आधुनिकताए अवदानम, भविष्य भारत का भारत आकांक्षाश्च। ये आंसर, इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न है, बौद्ध काल से प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्ति। बौद्ध का काल का जो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वह कौन सा है, वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न है, शिक्षाया वर्धा योजना स्मरणीय। वर्धा योजना किसके द्वारा शिक्षा में चलाई गई थी? इसका आंसर है महात्मा गांधी द्वारा। आकलन कारणात् न भवति छात्राणाम उत्तम सामान्य अधमादि वर्गीकरणम, शिक्षक व्यूह रचनायाम परिवर्तनम, छात्राणाम भिन्नतानुसारम तेभ्य गृह कार्य प्रदानम, व्यक्तिवृत्ताध्ययनम। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छात्राणाम उत्तम सामान्य अधमादि वर्गीकरणम आकलन कारणात् न भवति। ठीक है, अगला प्रश्न अस्ति, ओष्ठपठनम चिन्ह भाषा सांकेतिक भाषा स्पर्श विधि इति एवं संप्रेषण विधया केषां कृते भवेयुः, या किसके लिए यह विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रवण बाधिताना, जो सुन नहीं सकते यानी कि ब्लाइंड लोग। ब्रेल लिपि का भी आविष्कार किया गया है इन लोगों के लिए, और इनके विद्यालय भी अलग होते हैं जहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन श्रवण बाधिताना। अग्रिम प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान से मुख्य उद्देश्य अस्ति। अष्टमी कक्षा पर्यंत गुणात्मक शिक्षा प्रदानम, स्नातक शिक्षा प्रदानम, स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदानम, केवलम उच्च शिक्षा प्रदानम। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अष्टमी कक्षा पर्यंत गुणात्मक शिक्षा प्रदानम। दिव्यांग बालकानां शिक्षाया नीति निर्धारणम करोति। दिव्यांग जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए कौन नीति निर्धारण करता है? RCI इनके नीति निर्धारण करती है। अधिकांश छात्राणाम विद्यालय परित्याग के कारण भवति। उद्योग प्राप्ति चिंता, निर्धनता, अध्यापक छात्राणाम संबंध भाव, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। इसका आंसर है दोस्तों अध्यापक छात्राणाम संबंध भाव। वैसे देखा जाए तो उद्योग प्राप्ति चिंता ये तो नहीं होगा, निर्धनता भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम तो ये तो दोनों में से थोड़ा बहुत निर्धनता भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अध्यापक छात्राणाम संबंध का भाव। अगर अध्यापक और छात्रों के बीच बहुत अच्छा संबंध होता है तो विद्यार्थी विद्यालय नहीं छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्चन शिक्षक कक्षायां निंदनात्मक क्रिया करोति, यासा मुख्य उद्देश्य होति। छात्राणां व्यक्तिगत विभिन्नतानां ज्ञानम, छात्राणां पाठ्यवस्तूनां विश्लेषणं पुनः व्यवस्थीकरणं च, छात्राणां मूल्यांकनं, छात्रेषु व्यवहार परिवर्तनम। इसका आंसर है दोस्तों छात्राणां पाठ्यवस्तूनां विश्लेषणं पुनः व्यवस्थितकरणं च, सूचीं मेलयतु, श्रव्योपकरणं दृश्योपकरणं श्रव्यदृश्योपकरणं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ई का फोर्थ है। श्रव्य है दूरवाणी, दृश्य है क्या होगा, दृश्य होगा हमारा श्याम पट्टू को हम देख सकते हैं, और श्रव्य दृश्य उपकरण क्या होगा, दूरदर्शनम, ये दोनों हैं। विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण मार्गदर्शनम कह करोती राजनीति शिक्षा नीति शिक्षक अभिभावक शिक्षार्थी च। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा नीति ही। अभी हाल ही में शिक्षा नीति आई हुई है 2020 में। मनोविज्ञान दृष्टिया शिक्षा विषय केंद्रता सियात छात्र केंद्रिता, शिक्षा केंद्रता, प्रशासन केंद्रता। तो
तो मनोविज्ञान की दृष्टि में जो शिक्षा होती है वो किसके केंद्र में, किसकी द्वारा केंद्रित होनी चाहिए, तो छात्र केंद्रित है, क्योंकि छात्र ना कहीं विकास के लिए शिक्षा होती है ना कि छात्र कभी छात्र को केंद्र में रख के उसका निर्धारण किया जाता है। शिक्षा अविरल प्रक्रिया अस्ति, शिक्षा सोद्देश्य प्रक्रिया अस्ति, शिक्षा नियत प्रक्रिया अस्ति, शिक्षा विकासात्मिका प्रक्रिया अस्ति। तो इसमें से कौन कौन से विकल्प सही बताना है दोस्तों। इसमें देखा जाए तो अविरल प्रक्रिया है और शिक्षा सोद्देश्य प्रक्रिया भी है और विकासात्मक प्रक्रिया भी है, पर जो सी वाला है शिक्षा नियत प्रक्रिया अस्ति यह नहीं है, नियत प्रक्रिया शिक्षा नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वर्थ सेवा भी स अशक्त बालानाम सामान्य शिक्षण व्यवस्थायाम स्वीकारात्मक अनुकूलम ही सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा, समावेशात्मिका शिक्षा, कौन सी शिक्षा कहलाएगी। सर्वर्थ सेवा भी स अशक्त बालानाम सामान्य शिक्षण व्यवस्थायाम स्वीकारात्मक अनुकूलनम, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी समावेशात्मिका शिक्षा, क्योंकि इसमें सब चीज़ का समावेश है। ठीक है, अग्रिम क्वेश्चन अस्ति, कश्चन छात्र समकक्ष छात्राणां समूहे आकारात्मक व्यवहारं प्रदर्शयति यथा तथा च सः विद्यालयस्य नियमानां पालनं न करोति, एतादृशस्य छात्रस्य साहाय्यम् अपेक्षते। संज्ञानक्षेत्रे, भावात्मक क्षेत्रे, या फिर क्रियात्मक, या फिर प्रयोगात्मक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी भावात्मक क्षेत्रे। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षाया सिद्धांत नास्ति, बालक को केंद्र में रखे शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। विभाजन सिद्धांत, अनिश्चितोदेश्यानाम चरण सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, क्रियाशीलता सिद्धांत, इसका आंसर भी बी है अनिश्चित उद्देश्य चयन सिद्धांत। अग्रिम प्रश्न अस्ति, मानव जीवनम प्रारभ्यते अन्नेन धनेन संस्कारेण शिक्षाया, मानव का जीवन कब से प्रारंभ माना जाता है, तो इसका आंसर है शिक्षा के द्वारा, शिक्षा से। अत्र समुचितम विकल्पम चुनोतु, तो शिक्षा के द्वारा भी और संस्कार द्वारा भी, तो दोनों इसके आंसर सही हैं 3 एवं 4। दोस्तों अंतिम प्रश्न है इस श्रेणी का, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणम अस्ति, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या है। सांवेगिका, परिपक्वता, अनियमित दिनचर्या, आत्मविश्वास, सहनशीलता, आत्मविश्वास, स्पष्ट जीवन लक्ष्यम, नियमित दिनचर्या, कार्य संतुष्टि, निर्णय क्षमता, कार्य संतुष्टि, सहनशीलता, समायोजनम, इसका आंसर है बी सहनशीलता, आत्मविश्वास और स्पष्ट जीवनम। तो दोस्तों आज की यह श्रृंखला हमारी पूरी हो गई है, इसमें हमने 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों को देखा। तो आप लोगों ने उम्मीद है कि यह वीडियो पूरी देखी होगी, अगर आपने पूरी देखी है तो अपने साथियों को भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको इसमें संस्कृत संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और कराई गई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, नमो नमः, पुनः मिलामः।